हेलो डबल्स, वेलकम बैक टू अनदर बेंटेन सीरीज। तो इस एपिसोड में हम करेंगे सर्वाइवल सीरीज का स्टार्ट। तो गाइस, बेंटेन का सर्वाइवल सीरीज मैंने लाने के बाद आ गया था, तो मैं लेके आ चुका हूँ गाइस। सो सबसे पहले हम कैसे माइनिंग करते थे, एंड मेरा विजुअल थोड़ा सा खराब है, मतलब एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड में हम पेड़ तोड़ते थे ऐसे हाथों से, मतलब लिटरली हाथों से पेड़ तोड़ता था पहले। अभी तो हमारे पास बेंटन का वॉच है, तो अब हम इससे मैजिकली कोई भी चीज़ तोड़ सकते हैं बिल्कुल झटके से। उससे पहले मुझे करेक्ट एलियन चूज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे ओमनीट्रिक्स को सेट करना पड़ेगा ताकि अच्छा एलियन दे मुझे। और ये फोर आर्म्स जो कि मुझे चाहिए था भाई साहब, देखो अभी एक ही झटके में कितने सारे पेड़ कट के आ चुके हैं हाथ में। एंड पता नहीं आज का विजुअल इतना ख़राब क्यों है भाई, लगभग मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब विजुअल है आज तो भाई। मतलब इतनी काच, मतलब इतनी नज़दीक भाई, लगते फोरम्स का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया है भाई। कोई बात नहीं, चलो देखते, चलो इससे क्या होता है पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता इससे क्या होता है क्या। इसका पावर में लगता है यूज़ करना भूल चुका हूँ भाई, खाली हाथ लो। एंड अभी मेरा विजुअल थोड़ा सा ठीक है भाई, घबाजी। चलो अभी इसका पावर यूज़ करके देखता हूँ, लगता है इसको ऐसे यूज़ करना पड़ता है, पता नहीं मैं भूल चुका हूँ भाई कैसे यूज़ करता है भाई, लगता है मैं भूल चुका हूँ, सच में भूल गया भाई। अभी कुछ दिन पहले तो मैं बेंटन का सीरीज़ खेल रहा था भाई, यार पता नहीं ये टूटेगा कैसे, पर इसका हाथ से तोड़ना था या कुछ और तरकीब लगाना था पता नहीं, मैं भाई भूल चुका हूँ भाई। आई थिंक मुझे कुछ इसे तोड़ने की कोशिश करना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है भाई। मतलब एक साथ बहुत सारे पेड़ तोड़ता था ना, रुको एक सेकेंड, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा भाई। ये भाई अब भी हुआ भाई, अब भी मुझे पता लगा, मुझे क्राउच करना है भाई, मुझे क्राउच करके बस देखना है एंड पेड़ ऑटोमेटिकली टूट जाएगा ऐसे ब्रो। अभी मुझे कुछ भी खुदाई करने के लिए कोई भी टूल की ज़रूरत ही नहीं है भाई, मतलब तेल मिल जाए भाड़ में सीधा पकौड़ा खा लो, मतलब सीधा पेट के अंदर भाई। पकौड़ा के याद आ गया भाई, बहुत भूख लगा है। एंड लगभग रात के 11 के 12 बज रहे, लगभग 11:30 आई थिंक, इसको एडिट मेडिट करने में और भी 2-3 बन जाएंगे, बच जाएंगे, तो फिकर नॉट, वीडियो आ जाएगा कितनी तारीख को पता नहीं। तो गाइस इसका पावर भाई नेक्स्ट लेवल है, मतलब बहुत ही अच्छा पावर भाई यार, देखो एक ही झटके में पूरा जगह को फ्लैट कर ले। एंड कैनन बोल्ट का पावर वो तो और भी ज़्यादा ऑसम है भाई, उसका पावर लेवल नेक्स्ट लेवल है भाई। बट ईस्ट एंड वेस्ट फोरम इज़ द बेस्ट, बस फोरम्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम है भाई। फोरम्स के जितने भी फैंस है भाई, सारे के सारे कमेंट कर दो भाई, मतलब स्कैम कर दो भाई यार, फोरम्स बहुत अच्छा है भाई फोरम्स। एंड अगर आपको मोड चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए मोड कर। मेरा फोरम्स का टाइम तो आउट हो चुका है, बट मेरे पास जितनी भी लकड़ियाँ फकड़ियाँ जो भी चीज़ें हैं उन सबको मैं एक झटके में मतलब कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड लगभग मेरे पास बहुत सारे वुड्स एंड कलेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें। एंड मैं सारी की सारी चीज़ों को अगर दिखाऊँ तो भाई बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत बड़ा मतलब आधे घंटे से ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने जाता हूँ, तो बहुत सारे की जगह में कट टू कट आया। एंड अभी बार हमारा कैनल बोर्ड की, क्योंकि मुझे इस जगह को पूरा फ्लैट करना है। एंड कैनल बोर्ड का एक दिक्कत भाई मुझे बहुत अच्छा लग, मतलब बहुत परेशान करता है भाई ये, मुझे घूमता है ना तो वही सामने की तरफ एक ग्लिच हो जाता है, देखो ना भाई, अरे अटक जाता है, ये वाला ग्लिच मुझे पसंद नहीं है। बट कैनन बोल्ट अच्छा है, बोलने ना पड़ेगा भाई, कैनन बोल्ट भाई बहुत अच्छा है। अगर आप मोड्स के वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, एंड एक सब्सक्राइब भाई कर दो भाई यार, अपना ही भाई समझ के एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक कर दो भाई, क्या जाएगा आपका भाई, और मुझे मोटिवेट मिलेगा अगर आप लाइक करोगे तो। एंड व्यूज अच्छा खासा आ रहा है मेरे चैनल पर अभी, तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ ज़्यादा दिन बचे हैं मेरे, मतलब पीसी में गेम खेलने के। एंड मुझे एक राउटर चाहिए भाई, अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं है मेरे पास, तो मैं कुछ भी करके मैं जुगाड़ करके भाई वीडियो अपलोड करता हूँ, वीडियो का साइज़ कंप्रोमाइज़ करता हूँ भाई। एंड क्वालिटी मतलब मैं क्वालिटी ना गिरे इसका भी ध्यान रखता हूँ भाई, बहुत मुश्किल होता है भाई वीडियो बनाने में, तो सब्सक्राइब बनता है ना भाई, इतना मेहनत तो कर रहा हूँ। एंड बातों करते करते भाई ये लगभग शाम हो चुका है, एंड मैंने भाई बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया यहाँ पे भाई। यार सबसे बड़ा दिक्कत तो यार रात में ही होता है ना, एंड कैनन बोल्ट के आगे जो भी आता है भाई वो पिचक जाता है, यानी उछलता कुछ ज़्यादा है भाई, उछलता कुछ ज़्यादा ही है भाई। एंड मैं इसको मैं माइनिंग के लिए ले जा सकता हूँ, पर ये इसका एक दिक्कत है भाई, ये सीधा का सीधा ही माइनिंग करेगा, मतलब डिग डाउन नहीं करेगा, तो मुझे लगभग कितने ब्लॉक नीचे जाना पड़ता है ना, 48 64 ये अराउंड इतना ही अराउंड।
गाइज मैं क्या सोच रहा था, वन नाइट वन वीडियो, ठीक है, तो 100 डेज में 100 वीडियो हो जाएगा भाई। मतलब मैं कोशिश करूँगा भाई, मतलब पहले रात है ना, तो पहला वीडियो है, मोबाइल पे स्टोरेज भी कम है। मैंने अभी अभी एक मेरे फ्रेंड से एक मूवी लिया जो कि मुझे रात में देख के कम्प्लीटली, मतलब रात में तो देख के कम्प्लीट नहीं हो सकता, लगभग मुझे सोना भी है एंड सुबह उठ के काम पे भी जाना है तो वो तो नहीं सकता। एंड मैं बातों बातों में एक फर्नेस बना के भाई, लकड़ी को जला के भाई टॉर्च बना करने के दे दिया। एंड जब तक मैं एलियन हूँ तब तक भाई यहाँ पे कवर कर लेता हूँ, क्योंकि एलियन बने रहते हुए मुझे कोई भी मॉब्स हाथ नहीं लगा सकता भाई। एंड ये एरिया कवर हो चुका है एंड हमारा मतलब कॉल बनाने के प्रोसेस भी रेडी हो चुका है एंड मैं फिर से बन चुका हूँ एक एलियन। एंड मैं इसको मतलब इससे मैं सीख चुका हूँ कि मुझे एलियन से वापस इंसान कैसे डीमन लॉर्ड बनना है, मैं सीख चुका हूँ भाई। एंड ये बहुत इजी है भाई, सिंपली हाथ में ऑमड्रिक्स पकड़ो एंड एक साइड में प्रेस करके रखो, मतलब खल्लास भाई। एंड मेरा टॉर्च भी कंप्लीट हो चुका है बनाना का एंड इसको मैं इधर एक लगा देता हूँ। एंड ये ऊपर की साइड लगभग तक मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मुझे नहीं चाहता कि कोई भी मॉब्स आके मेरे मतलब मेरे सत्यानाश कर दे भाई। एंड मैं मेरा वीडियो का खुद ही सत्यानाश कर देता हूँ, पता नहीं कैसे मेरा वीडियो का खुद ही सत्यानाश हो जाता है भाई। एंड मेरा ऑमड्रिक्स भी चार्ज हो चुका है, उससे पहले ऑमड्रिक्स को यूज़ करूँ मैं कुछ चीज़ें बनाता हूँ, टूल्स मूल्स बना लेता हूँ, क्योंकि माइनक्राफ्ट का बेसिक रोल ही है भाई टूल्स बनाओ। माइनक्राफ्ट में आप कोई भी मोड लगा लो, कुछ भी कर लो भाई, क्राफ्टिंग टेबल के बिना भाई माइनक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा अधूरा, मतलब इनकम्प्लीटेड है भाई माइनक्राफ्ट में। पता है ना कितने ज़रूरी चीज़ें फर्नेस, मतलब क्राफ्टिंग टेबल एक बार कहते फर्नेस के बिना ही चल जाएगा काम बार, मतलब माइनक्राफ्टिंग टेबल के लिए कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ भी नहीं। सो मैंने अपना खाना इसमें पकाने के लिए रख दिया, पर उससे पहले मैं यहाँ पे कॉल के ऐसे की त्यासी बजाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे ऑमनीडेक्स चार्ज हो चुके फुली चार्ज भाई। तो भाई ये हाथ सामने की तरफ, ये हाथ कैसे रखा है भाई यार, कुछ अजीब सा लग रहा है भाई। मतलब इसको छोड़ो भाई, हम खुद रहा तो कॉल मोल कर ले, इकट्ठा तो नहीं एक चीज़ है भाई, पता नहीं। तो मैं खुदाई करते करते सारा का सारा कॉल निकल जाऊँ भाई ऐसे कोल के खदान में, मुझे कोई ले जाओ एंड कुछ मुझे डायमंड दे दो भाई, मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है भाई यार। एंड मेरा यहाँ पे सारा का सारा कोल लगता है ख़त्म हो चुका है, अभी क्या कर सकते हैं। मैं इस ऊपर वाले के साइड को मैं ब्लॉक कर देता हूँ ताकि कोई भी मॉब आके मेरा पुंगी ना बचा सके। एंड यहाँ पे स्केलेटन हट जाए ऐसे, वरना तेरा पुंगी बचा जाऊँगा, चला मतलब मैं कवर कर देता हूँ। मैं चाहूँ तो उसको एक ही झटके में मर सकता हूँ एलियन बन के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई मेरा एलियंस ऐसे फालतू चीज़ों में बर्बाद हो जाए। एंड मैं एंडर ड्रैगन को मारने जरूर वाला हूँ इस सीरीज़ में, एंडर ड्रैगन को मार के मतलब उस काले कौवे की ऐसी की तैसी करने वाला हूँ भाई। तो कौन सा एलियन भाई उसका क्वासी बैंड बजाने का, वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड मैं बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ एंडर ड्रैगन वर्सेस एबेंटन एलियंस। ओके मैं क्या सोच रहा था, एंडर ड्रैगन को मैं वे बिग बन के बनाऊँ, मतलब वे बिग बन के मारो, क्योंकि वो ज़्यादा हवा में उठता है एंड वे बिग का हाइट भी ज़्यादा है, तो आई थिंक वो वन शॉट में ख़त्म हो जाना चाहिए। पर अभी नहीं, बाद में वो वीडियो कभी बाद में लाऊँगा, क्योंकि मुझे कंटेंट की कमी पड़ रही है भाई, मोड्स नहीं मिल रहा है भाई, क्या करूँ मैं। मतलब जो मोड्स मुझे पसंद आ रहा है, मुझे लगता है मुझे इससे व्यूज़ आएगा एंड आपको पसंद आएगा ये मोड, वो मोड भाई गेम के अंदर चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई। एंड मोड और भी तरीके हैं बनाने का, और मैं फोरम्स फिर से बनूंगा एंड इस माइन इनकी ऐसी की तैसी करने वाला हूँ, तो मैं फिर से फोरम्स बनूंगा एंड ये इसको फिर से रिसेट करना पड़ेगा भाई। यार एक बार एलियन चला जाए तो मैं इसको वापस घुमा भी नहीं सकता, क्योंकि यार ये रियल लाइफ थोड़ी है ना, अगर रियल लाइफ होता तो मैं बेंटिन के वॉच से मतलब एक डाका जरूर डालता भाई, बैंक लूट लेता भाई, बैंक में ऐसी की तैसी आ गए फोरम्स। तो मैं पंच को फोर आर्म्स में हेल्थ रिजनरेशन है एंड चलो भाई इसकी ऐसी, अबे टूट गया, ओ ये लैग कर रहा है भाई, लैग कर रहे लगता है इंटरनल स्टोरेज भाई लोड हो चुका है। एंड मेरे छत की ऐसी की तैसी, अबे फिर से टूट गया भाई, मेरी छत की ऐसी की तैसी हो गया, यानी ये टॉर्च भाई लगता क्यों नहीं भाई, लगा रहा हूँ टूट रहा है, ये देखो फिर से टूट गया। इसकी ऐसी की तैसी भैंस की टांग साला, तो लग जा भाई यार, अभी इसको तोड़ता हूँ, रुको एक सेकेंड। मुझे लगता है फोरआर्म्स मतलब ज़्यादा हाइट, मतलब ज़्यादा नीचे तक नहीं तोड़ा, मतलब तोड़ सकता भाई, लगभग इसका कोई लिमिटेशन ज़रूर होगा ना, मतलब ज़्यादा नीचे तक नहीं तोड़ सकता भाई, क्योंकि मैंने कोशिश की थी एक बार तोड़ने की तो नहीं हुआ था, पर फिर भी एक कोशिश कर लेता हूँ। तो फटाक से नीचे चलता हूँ एंड देखता हूँ कैसा होगा। लगभग मैं 3-4 ब्लॉक आ चुका हूँ यहाँ पे, इसका पावर टेस्टिंग बट नॉट वर्किंग भाई, बट लैग बहुत ज़्यादा कर रहा है भाई, लैग बहुत ही ज़्यादा कर रहा है
मतलब मुझे महसूस खुद हो रहा है भाई, मैं खुद वीडियो गेम खेल रहा हूँ, मुझे पता है कितना ज़्यादा लैग है। तो इस बात में एक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो भाई यार। मैं पहले भीख नहीं मांगता था पर अभी भीख मांगना पड़ रहा है, क्या करूँ भाई। आप लोग तो सब्सक्राइब करते नहीं, लाइक भी नहीं करते भाई, तो एक लाइक से सब्सक्राइब कर दे। एंड ऊपर देखो भाई, ऊपर कुछ तो धमाके हो रहा है भाई, ऊपर चल के देखता हूँ धमाका कैसा है भाई। ये देखो भाई, फिर से धमाका हुआ, मतलब ये नीचे इस लेवल के पे काम नहीं करने वाला, क्योंकि इस लेवल के कैनन बोल्ट अच्छा रहेगा। तो मैं किसी और वीडियो में कैनन बोल्ट को जरूर लाऊंगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ भाई, यार कितना बड़ा तबाही मच चुका है, बहुत ही बड़ा तबाही मच चुका है। ये लो भाई, हट जा यहाँ से, सामने से भाई दीवार ऐसी की तैसी भाई। एक बात तो बहुत अच्छी है भाई, फोरम्स की पावर नेक्स्ट लेवल है भाई। अगर किसी को अपना घर वर तोड़ना हो तो मुझे बोलना नहीं ना भाई, मैं फोरम्स को लेकर आ जाऊंगा। ऐसे एक मतलब बिना हाथ लगाए भाई घर तोड़ देगा भाई, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं फोरम्स। एंड ये मॉब भाई एक ही झटके में मर गया। एंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गेम लैग कर रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा भाई, कंट्रोल करना ही मुश्किल हो रहा है भाई। सच्ची में बोलूँ तो कंट्रोल करना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है भाई, कभी भी गेम बैक हो सकता है, आई थिंक सो। बट लगता नहीं कि ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, यानी यहाँ पे बहुत सारे भाई भाई देखो कितना ज़्यादा लैग कर रहे हैं भाई यार, कंट्रोल करना ही मुश्किल हो चुका है मेरे लिए। तो यार इसी बात पे एक और ताली मर दिया मैंने, ताली। एंड एक सामने के वाला हो गया खाली, सामने की दीवार हो गया खाली। एंड अभी गिर बारिश गिर रहा है एंड मेरा गेम बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है भाई। कुछ तो करो, कुछ तो शर्म करो भाई यार। लॉग आउट लोडिंग क्या हो रहा है मेरे से, क्या हो क्या रहा है भाई, किधर किधर जा रहा है भाई, पता नहीं भाई, लगता है कुछ दिक्कत है भाई। आप यकीन नहीं करोगे पर मेरा ऑटोमेटिकली भाई, लो भाई गेम बैक हो गया। अभी लगभग 11-2 बज रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टिल देन टेक केयर। एंड मैं अगले वीडियो में ज़रूर अपना स्पेस खाली करके ही बनाऊँगा, क्योंकि एक अच्छी सी फुटेज मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टिल देन टेक केयर। ख्याल रखना भाई अपना।